हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे टेस्ट सीरीज से पहले आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि आखिर में आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है, हाउ टू राइट आंसर एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आर देयर लाइक हाउ टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, किस तरीके से क्या करनी है। और द मेन क्वेश्चन इज हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे अपने इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वन बाय वन करके हम लोग जरा फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए आंसर लिखने के लिए तो कई लोग कई तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहां पर देखिए आपको कुछ फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए एक सबसे पहले आपको लिखनी होती है इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद से आपको क्वेश्चन की बॉडी लिखनी होती है, फिर लिखना होता है आपको बेसिकली कंक्लूजन। अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, तो मैं अभी एक एग्जांपल देकर के आपको एक डेमो दिखाकर दिखाऊंगा क्या चीज है। यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन में जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा, यू हैव टू इंट्रोड्यूस, जस्ट इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। तो यहां पर जस्ट इंट्रोड्यूस बेसिकली आप एक तरीके से कह लीजिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं, यू आर मेकिंग एन एनवायरमेंट कि व्हाट विल बी द आंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए, जस्ट इंट्रोड्यूस द आंसर। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप थ्रू योर आंसर इन वन वर्ड, थ्रू योर आंसर इन वन लाइन, कोई भी चीज होगी। जैसे आपसे कोई चीज पूछी गई, मान लीजिए कि कोई चीज है, सही है, गलत है, क्या है, तो आपका एक ओपिनियन होगा, अकॉर्डिंगली यू विल आर्ग्यू। लेकिन पहले ही लाइन में आप थ्रू कर सकते हैं योर आंसर कि यस इट इज करेक्ट और नो इट इज रॉन्ग। तो आप थ्रू योर आंसर, एक तो ये भी पैटर्न होता है, दूसरा होता है कि आप आंसर को जस्ट एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप बेसिकली आ जाएंगे अपने बॉडी में। बॉडी में आने का मतलब क्या है कि आप बेसिकली अब डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में आंसर है, मतलब आप अपना पूरा आंसर लिखेंगे। अब इस आंसर लिखने में आपको क्या करना है, पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, डिपेंड्स किस तरीके की चीजें हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी आप लिख सकते हैं चीजें, पॉइंट टू पॉइंट भी लिखेंगे, ठीक है। और ये रिकमेंडेड है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। और क्या करनी है आपको, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, स्कीमेटिक्स हो गया, या फिर फिगर हो गया। फिगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है और वो 300 वर्ड का है, 300 वर्ड का है मतलब आपको एटलीस्ट थ्री फिगर्स, चाहे वो फिगर हो, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे स्कीमेटिक हो, तीन फिगर आपको इंक्लूड करना है 300 वर्ड के आंसर में। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर कोई 150 वर्ड का है तो आप वहां पर एक फोटो बनाएंगे, 300 वर्ड का है तो दो से तीन फोटो आप बना सकते हैं। तो ये आपको करना ही करना है, अदरवाइज योर आंसर विल लुक लाइक अ वेरी बुकिश लैंग्वेज, बुकिश आंसर दिखेगा। तो आपको बुकिश नहीं दिखाना है, आपको अपना पर्सनल आंसर दिखाना है। तो ये हो गई आपकी बॉडी। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में लिखना होता है कि अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली आप यहां पर अपना खुद का व्यू भी दे सकते हैं, या एक फ्यूचर भी दिखा सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जो आया नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में यहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये होती है हाउ टू राइट आंसर, ये बेसिकली आपको रहना होता है, लिखना होता है। अगर मैं बात करूं एक छोटा सा एक मतलब डेमो क्वेश्चन के तौर पे, तो देखिए मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी बिफोर एंड आफ्टर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो ये अगेन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहां पर यह बोला गया है कि क्यू आर फेज से पहले क्या चीज थी, क्यू आर फेज के बाद क्या चीज है। तो बेसिकली यू हैव टू एनालाइज, इसको कंपेयर करना है इसके साथ में, यानी आपको क्या करना है, जो शुरू में वरेनियस, जो हमारे कांत थे, या फिर कह लीजिए जो डुअलिज्म की फेज थी, डुअलिज्म डाइकोटॉमी वाली फेज थी, इस एरियल डिफरेंशिएशन की चीज थी, इन सभी को आपको कंपेयर करना है किसके साथ में, क्यूआर फेज के साथ में। क्यूआर के इनफैक्ट बाद में डिस्कस करना है, क्यूआर के बाद क्या आ जाता है, जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गई थी, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल हो गई थी, तो ये सब जो चीजें आती हैं बाद में, उन सबको आपको बेसिकली यहां पर कंपेयर करना होगा। किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे ये आप जानिए, क्योंकि यहां पर आंसर आपको लिखना है। अब देखिए इसको मैं अगर बताऊं तो देखिए इसको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप बताइए यहां पर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में कि व्हाट क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज। तो आपने बता दिया क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कंपेयर कर दीजिए शुरू में, थ्रो योर वर्ड इन वन लाइन वाली चीज कि पहले क्या था आज क्या है। आप बता देंगे कि शुरुआती दिनों में इट वॉज वेरी मच रिजिड इन नेचर, शुरुआत में ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के टर्म में लिया जाता था, एंड इट वॉज बेसिकली अ डिस्कशन आर्ग्यूमेंट ओवर व्हाट विल बी ज्योग्राफी, वेदर द फिजिकल वन और द ह्यूमनिस्टिक वन। और जबकि बाद में क्या हुआ था,
बाद में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्योग्राफी हमें देखने को मिल गया था जहां पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे कि फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन दोनों ही साथ में चल रहा होगा, बट व्हाट विल बी द फैक्टर्स, व्हाट विल बी द ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट विल बेसिकली इम्पैक्ट द सोसाइटी, हम लोग इसके बारे में एक बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में बात करना हम लोग शुरू कर दिए थे। ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आफ्टर के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर आप कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं अपने छोटे से आंसर में, ठीक है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, फिर आप बॉडी पे आ जाएंगे। बॉडी में आप कैसे लिखेंगे, बॉडी में आप एक लाइन लिख देंगे पहले QR के बारे में। तो आप QR क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में बता दीजिए, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में। फिर आप आ जाइए तुरंत, आप फोटो बनाइए, किस तरीके से फोटो, यहां पर आप बीच में गैप दिखाइए, इस तरीके से आप गैप दिखाइए, यहां पर आप लिख दीजिए QR फेज, ठीक है। अब इसके बाद से ये लिख दीजिए इधर बिफोर और इधर लिख दीजिए आफ्टर, ठीक है। अब यहां पर बिफोर के पहले स्कीमेटिक बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे सबसे पहले क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, ग्रीक है, फिर अरब्स है, फिर उसके बाद से हमारे इटालियंस हो गए, ठीक है, ये सब आप लिख देंगे। फिर उसके बाद से आप दो चार नाम यहां पर लिख दीजिए, दो चार नाम लिखने के बाद वरेनियस कांत के बारे में आ जाइए, वरेनियस है, कांत है, वरेनियस को फॉलो करने वाले, कांत को फॉलो करने वाले, ये बेसिकली दिखा दीजिए। फिर आप दिखा दीजिए QR फेज के बारे में थोड़ा, QR मतलब QR से पहले, हालांकि एरियल डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता देंगे। फिर आप आफ्टर में आ जाइए, आफ्टर में क्या दिखा देंगे, सोशलिस्टिक मॉडल बता देंगे और ह्यूमनिस्टिक मॉडल बता देंगे, और इसके बारे में आप डिस्कशन कर देंगे, इसके बारे में दिखा देंगे कि कौन कौन कंट्रीब्यूटर है, कौन कौन क्या है। तो आपने बेसिकली एक स्कीमेटिक दिखा दिया, इस स्कीमेटिक से आपने एक आइडिया दे दिया जो चेक करने वाला एग्जामिनर, उसको ये आइडिया दे दिया कि आई नो दिस टॉपिक वेरी वेल एंड आई नो द डिफरेंस। अब आप यहां से पॉइंट फॉर्मेटिव वन बाई वन करके डिस्कस करना शुरू करेंगे विद अ हेडलाइन, आप एक हेडलाइन लिख देंगे, जैसे ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से आप बताना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं वर्सेस करके, जैसे ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट वर्सेस ज्योग्राफी एज वेलफेयर सब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से वर्सेस वर्सेस करके भी आप लिख सकते हैं, तो काफी अच्छा आपके लिए एक आंसर, मतलब आप एक मैच्योर आइडिया दिखा रहे होंगे कि आई नो व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड दिस QR फेस बिफोर दिस QR एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आफ्टर QR फेस। तो अब इस तरीके से दोनों में डिफरेंस दिखा सकते हैं बॉडी के जरिए। क्लियर हो गया क्या चीज है, किस तरीके से लिखना है। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखने होंगे, बुक्स, किसने कौन सी बुक लिखी है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर का नाम आपको याद होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में मतलब कंट्रीब्यूटर अमंग द कंट्रीब्यूटर व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एक आपको डेमो क्वेश्चन के तौर पर यहां पर मैंने दिखा दिया कि कैसे आपको लिखना है बेसिकली। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन के बारे में बता देंगे, कंक्लूजन के बारे में बता देंगे कि QR फेज वॉज अ फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड लेटर ऑन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज अ मैच्योर फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट, इस तरीके से आप करके कंक्लूजन दिखा सकते हैं। कंक्लूजन विल नॉट मैटर मच इन दिस क्वेश्चन बट द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मैटर इज द बॉडी, किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको लिखना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसे अब आप आंसर राइटिंग करेंगे हमारे इस टेस्ट सीरीज में। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, क्या लिखना होता है क्वेश्चन, मेन मुद्दे के बारे में बात कर लिए। अब जरा मुद्दे नंबर टू पे आते हैं हम लोग। मुद्दा नंबर टू ये है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे आप A4 शीट पे लिखेंगे, और वो भी प्लेन A4 शीट पे, ये नहीं कि बीच में बस वो कच्चा दो वाला जो बीच में लाइन लाइन खींची होती है, नो, यू हैव टू राइट ऑन ए ब्लैंक पेपर। तो आप ब्लैंक पेपर में लिखेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, आपने A4 शीट लिया, A4 शीट, ठीक, A4 शीट लिया, आप साइड मार्जिन बना लेंगे, दोनों साइड में साइड मार्जिन बना लेंगे और टॉप पे मार्जिन बना लेंगे। आपको अगर क्वेश्चन नंबर तो आप लिखना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। क्वेश्चन लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आपको मन करता है देन यू कैन राइट, यू आर किलिंग योर टाइम, तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप यहां पर क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके बाद से स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, ठीक है। वन साइड में लिखिए, अदर साइड में लिखिए, जैसे ये हो गया, इसी का उल्टा पन्ना इधर भी आप लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, आप इस पूरे के पूरे आंसर को लिख लेंगे, ऑन टाइम लिखिएगा, देखिए ईमानदारी से रखेंगे तो आप ही ईमानदार रहेंगे, इतने बड़े हो चुके हैं आप लोग, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदार नहीं रहेंगे तो उसके बाद आगे आपको समय भी ईमानदारी नहीं करेगा, आपके साथ लगा देगा आपका भी पंचवर्षीय योजना। चलिए खैर, तो ये आपको A4 शीट पे इस तरीके से आंसर लिखना होगा। लिखने के बाद क्या करेंगे आप लिखने के बाद क्या करेंगे, इन सबकी फोटो क्लिक करेंगे। किससे फोटो क्लिक करेंगे, मेरे हिसाब से सब लोग आज की डेट में एंड्रॉयड फोन तो यूज कर ही रहे हैं, एंड्रॉयड फोन आप यूज करेंगे और कैम स्कैनर का यूज करेंगे। कैम स्कैनर,
कैम स्कैनर के थ्रू आप पीडीएफ में कंप्लीट कर लीजिएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों के पास मान लेते हैं कि एंड्रॉयड नहीं है या फिर मान लेते हैं कि किसी भी वजह से उनके एंड्रॉयड काम नहीं कर रही है, आप फोटो भी क्लिक करके हमें भेज सकते हैं। भेजेंगे कब और कैसे क्या करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। फोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये फोटोग्राफ जो भी आप क्लिक करिए वो विजिबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि चेक करने में प्रॉब्लम हो रही हो, अदरवाइज आपके भेजने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसको बस आप नीट एंड क्लीन रखिएगा ताकि हम लोग साफ सफाई से देख भी सकें, चेक कर सकें और आपको एक बेटर फीडबैक प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आंसर लिखने की टेक्निक, मैंने आप लोग को बता दिया। दूसरी चीज क्वेश्चन ये आती है कि यार 3 घंटे में हम आंसर को कंप्लीट कैसे करेंगे। 9:30 से आपका टेस्ट शुरू होगा और 12:30 तक जाएगा, ये होगा टेस्ट शेड्यूल। नेक्स्ट हाफ एन आवर में मतलब कि 1 बजे तक आप अपने आंसर्स को फोटो क्लिक कर रहे होंगे, फोटोग्राफ क्लिक कर रहे होंगे और फोटोग्राफ क्लिक करके अटैच करते जाएंगे, वो मैं बताऊंगा कहां और कैसे अटैच करना है, अटैच करते जाएंगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया आंसर, आपने लिख लिया बेसिकली, अभी आप ये समझिए कि आंसर आपने लिख लिया है, पेपर आपको मिल जाएगा 9:30 बजे, आपकी जो भी आपकी मोबाइल है तो मोबाइल पे, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आपको फ्लैश हो जाएगा। अब फ्लैश होने के बाद फिर आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे, लिखने के बाद आप आराम से अटैच करिएगा, अटैच करने के बाद आप उसको सेंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, ये तो जो चीज है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट कैसे किया जाए। देखिए ऑप्शनल में पेपर कंप्लीट करना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, आसान टास्क होता है। जीएस में टफ टास्क होता है क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और काफी कुछ मैनेजमेंट करनी होती है वहां पे। ऑप्शनल में बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं और आप अगर अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखे हैं तो आप आसानी से ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट कर ले जा रहे होते हैं। फिर भी मैं आप लोग को बोलूंगा, देखिए आप हर एक घंटे को, 3 घंटे हैं आपके पास, आप हर एक घंटे को डिवाइड करिए। इसमें देखिए 5-5 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो सेक्शन 1 होता है। एक मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं पेपर कैसा होता है, 1 सेकेंड लेट मी क्लियर इट। देखिए हमारा जो पेपर होता है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, मेन पैटर्न के बारे में बता रहा हूं जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दिखेगा, सीएससी मेंस में आपको यही दिखेगा। यहां पर क्या होता है कि हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, एक रहेगा सेक्शन ए, दूसरा रहेगा सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन सब पार्ट रहेगा, सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 5। ये 5ों क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, दिस इज कंपलसरी। इसके बाद से रहेगा एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सब पार्ट हो सकते हैं, 1, 2 करके अलग अलग सब पार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं ये है, ठीक है। इन आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 7 भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है यू हैव टू चूज ओनली 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केवल आपको चूज करने होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 वाला कंपलसरी होता है, दिस इज कंपलसरी, ये आपकी कंपलसरी हो जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखे ही लिखे हैं, यानी आपको लिखना कितना है केवल और केवल अब 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में से आपको दोनों सेक्शन में से चूज करना होता है, दोनों सेक्शन में आप चूज करेंगे और अपने हिसाब से आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। वी विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर, जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है वैसा स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके 150 वर्ड्स के होते हैं और इसको आप कंपलसरी रहेगा आपके लिए, उसमें नोटिस रहेगी, सब कुछ लिखा रहेगा, आप उसको कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा देखिए अगर आपको कोई डाउट होता है कि किस तरीके से हमें पेपर यूपीएससी का पेपर कैसा होता है, तो मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के एंड में एक सजेशन लगा दूंगा और सजेशन में बेसिकली 2019 का पेपर डिस्कस किया गया है यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल का। इस ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर डिस्कस किया गया, मैं कहूंगा इसको आप लोग समय निकाल करके फिलहाल देखिएगा क्या है, कैसे है, किस तरीके से लिखना है। आप लोग काफी अच्छा सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं तो आपको ये पूरा पेपर समझ में भी आएगा, इनफैक्ट आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, लिखना कैसे है। क्लियर हो गया क्या चीज है, 3 घंटे की चीज मैंने बता दिया, आंसर राइटिंग करना कैसे है ये बता दिया मैंने आपको, पेपर कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया और हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार पेपर देंगे किस पे, तो पेपर हम लोग देंगे किस पे, हम लोग पेपर देंगे गूगल क्लासरूम पे। इस गूगल क्लासरूम के लिए अभी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए दे दूंगा और आपको सजेशंस में भी आ जाएंगे, सजेशन के थ्रू आप जो होते हैं उसको लिंक करके आप चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा गूगल क्लासरूम में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं यहीं पर बता दूंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा किस तरीके से कहां पे क्या स्टेप है, क्या करना है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली गूगल क्लासरूम यूज करेंगे, इसके लिए मैं कहूंगा, मैं इसके लिए फिलहाल डेमो के रूप में एक मैंने यहां पर क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन को आप एक काम करिए, गूगल क्लासरूम पे पहले जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो के थ्रू आप गूगल क्लासरूम अपना क्रिएट करिए,
क्रिएट करने के बाद आप क्लास ज्वाइन करके, ज्वाइन करने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन पड़ा रहेगा, क्वेश्चन उस क्वेश्चन पे आप कुछ भी ऐसे ही A4 शीट पे लिख करके उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके उस पर सेंड करके एक बार देखिएगा क्या चीज है, कैसे है, क्या करना है, ताकि आपको ये सारा काम आप सैटरडे के दिन कर लीजिएगा, ताकि आपको एक कंफर्टेबिलिटी रहे कि हमें संडे के दिन क्या करना है। क्लियर? तो बेसिकली जैसे होता है ना, सेंटर एक दिन पहले आप देख करके आ जाते हैं, सेम वही आपको सेंटर देखना है यहां पर गूगल क्लासरूम में, किस तरीके से हम सेंटर ले रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? बाकी इसके बाद देखिए, ये हमारा शेड्यूल है, ये हमारी शेड्यूल रहेगी, अलग अलग डेट पे है। 17 मई को आपका पहला टेस्ट है जो कि आपका पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी है। नियर अबाउट हमारे 30 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, 2 अभी पेंडिंग में है, खैर वो देखते हैं जो भी होगा। जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन कर दिया है उन लोगों को अभी मैं एक ईमेल करूंगा और उस ईमेल में ये फाइल अटैच रहेगी, ताकि आपको एक आंसर मिल जाए डेमो रूप में, और उसके बाद से आपको मतलब बाकी बता दिया जाएगा कि क्या कुछ है। ठीक है? तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? चले फिर, तो ये कंप्लीट करिए और उसके बाद से हम लोग जो ये गूगल क्लासरूम वाली चीज है वो मैं आपको वीडियो अभी शेयर कर देता हूं, आप उसको देखिए और फटाफट जो होता है उसको अप्लाई करके देख लीजिए सैटरडे को क्या चीज है। ठीक है? चले फिर।